डीए और एरियर ना मिलने से नाराज कर्मचारी आज करेंगे जनरल हाउस, सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी डीए और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर ना मिलने से नाराज है। अब उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं परिसंघ जनरल हाउस करेगा। हिमाचल में डीए और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर ना मिलने से कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट गया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं परिसंघ आज सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए जनरल हाउस करने जा रहा है। शिमला में दोपहर बाद 1:30 बजे सचिवालय के आर्मस्टेल भवन के प्रांगण में होने वाले इस जनरल हाउस में विभिन्न विभागों के कई कर्मचारी संगठन जुटेंगे। इसको लेकर कर्मचारी संगठन ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ को लिखित में अपना समर्थन पत्र दे दिया है। ऐसे में एक मंच पर कई कर्मचारियों के जुटने से सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ की 17 अगस्त को सचिवालय में बैठक हुई थी, जिसमें परिसंघ ने 21 अगस्त को आर्मस्टेल भवन के प्रांगण में जनरल हाउस बुलाने का निर्णय लिया था, जिसके तहत आज डीए और एरियर ना मिलने सहित कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। प्रदेश सचिवालय के आर्मस्टेल भवन के प्रांगण में होने जा रहे जनरल हाउस को सफल बनवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों का भी परिसंघ को समर्थन मिला है, जिसमें लोक आयुक्त कार्यालय कर्मचारी संगठन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी संगठन, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने लिखित तौर पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कर्मचारी अब एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं कर्मचारी। प्रदेश सचिवालय में होने जा रहे जनरल हाउस में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालेंगे। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के चेयरमैन संजीव शर्मा ने 17 अगस्त को ही बैठक से पहले ही जनरल हाउस को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार सीपीएस ओएसडी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो मर्जी लगाए, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक समय पर मिल जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सचिवालय की नई बिल्डिंग मंत्रियों के कमरे में 40 से 50 लाख के एडिशनल ऑल्टरेशन करने को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सचिवालय में खाली पड़े क्लास 3 के 350 पद, लॉ ऑफिसर के 18, प्राइवेट सेक्रेटरी के 70 पद और क्लास 4 के 250 पदों को भरे जाने की भी मांग रखी थी।